हेलो एंड वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। आज हम आपके लिए कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ एग्जाम एसबीआई क्लर्क 2024, जिसकी हमारी 8 शिफ्ट्स हो गई हैं ऑन 5th एंड 6th ऑफ जैन। तो सीधे डाइव इन करेंगे और देखेंगे हमारे एग्जाम में आया क्या था, उसका लेवल क्या था, एंड थोड़ा सा मेरा अपना एग्जाम 6th ऑफ जनवरी 3rd शिफ्ट में था, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे 5th के शिफ्ट 4 शिफ्ट में लेवल क्या था। ओवरऑल अगर मैंने स्टूडेंट से जिनसे बात की, जो फर्स्ट टाइमर भी थे, जो एक्सपीरियंस भी थे, एक्सपीरियंस वालों को तो काफ़ी इजी लगा ही ऑब्वियसली, बट जो फर्स्ट टाइमर भी थे जिनकी अभी 4-5 महीनों की प्रिपरेशन है, वो भी 70+ अटेम्प्ट करके आए हैं इजीली। और उनका था कि हमारा सर इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, 80 तक कर सकते थे, एक पजल कर दी थी पर उसके क्वेश्चन नहीं कर पाए, जो नॉर्मल हमारे रहते हैं रीजन्स वो थे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ कि 80+ तो ऑन एन एवरेज कर ही सकते हैं अगर आपकी गुड प्रिपरेशन है, बट अगर आप उससे पीछे हो तो आपको काफ़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर आप एग्ज़ाम को देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल विल से ईजी आया था, मॉडरेट उनके लिए था जो अभी प्रिपरेशन में एकदम फ्रेश से हैं, क्योंकि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो 90+ भी अटेम्प्ट करके आए हैं, 95 वाले स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास। बट चलो अगर आपका 80s में भी है तो आप एक सेफ बैंड में हो, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट से आ रहे हो वो वेरी कर सकता है। देन सिमिलरली ऑन सेकेंड डे ऑल्सो 6th ऑफ जैन को भी हमारे सारे के सारे पेपर जो थे काफ़ी इजी आए थे, किसी में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि कोई टफ हो। जनरली स्टूडेंट्स को रहता है अगर केस लेट आ गई है तो पेपर टफ हो जाएगा, अगर रॉन्ग नंबर आ गया तो पेपर टफ हो गया। बट फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में शायद एग्जैक्टली पता नहीं, बट उसमें हमारी एक रॉन्ग नंबर के आए थे और 5 क्वेश्चन आए थे, लोग 5 के 5 बना कर आए थे। तो ऐसा नहीं, अगर रॉन्ग नंबर भी आ रहा है तो इजी आया था। एंड पर्टिकुलरली मेरी शिफ्ट में केस लेट आई थी, मैंने तो स्किप की पर वो डूएबल थी, अगर आप उसमें अटेम्प्ट करते उसे 6th ऑफ जैन को 3rd शिफ्ट में, जो 1 बजे से स्टार्ट हुई थी शिफ्ट, उसमें केस लेट आई थी, डूएबल थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो टफनेस ले आती है, वो बस लेंथी होती है, इसीलिए लोग उसे स्किप करना प्रेफर करते हैं। अब देख लेते हैं हमारे एग्जाम में गुड अटेम्प्ट क्या रहे होंगे। सबसे पहले आ जाते हैं क्वांट पे। क्वांट में ऑन एन एवरेज मैंने जिनसे भी बात की है, जो एक्सपीरियंस है, वो उन सबका कहना है कि मेरे 25-30 के बीच में है। अब डिपेंडिंग अपॉन, अगेन इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव केस कि आप किस स्टेट से आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार हाईलाइट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब कई स्टेट्स में आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ में जाएंगे, वहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। कंपैरेटिवली हरियाणा में बहुत हाई कट ऑफ गई थी, पिछले साल तो कुछ ज़्यादा ही गई थी क्योंकि ऑल ओवर पोस्ट थी हमारे पास 5 थी। अब इतने बड़े स्टेट्स में जहाँ पे 5 पोस्ट हैं वहाँ पर तो कंपटीशन हाई होगा ही। तो उस फैक्टर को कंसीडर करते हुए गुड अटेम्प्ट्स विल वेरी इन एवरी स्टेट। ठीक है, इस बार हाँ बोल रहे हैं कि शायद पंजाब में अच्छी हैं, कई लोगों ने हरियाणा और सॉरी राजस्थान और यूपी से भर दिया एग्ज़ाम क्योंकि यूपी में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई थी, तो उस करके शायद मेरे अकॉर्डिंग तो उसका कोई फैक्टर नहीं पड़ता, बट फिर भी लेट्स सी क्या बनता है। तो क्वांट में उन्हें एवरेज 25 का अटेम्प्ट तो दिया ही है बच्चों ने, और अगर आपका 30 के आसपास है तो वेरी गुड। देन इंग्लिश में भी हमारा ऑलमोस्ट अब 30 करके आए ही हैं, पर कई बार हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन में कोई क्वेश्चन छोड़ दिया या कुछ हो गया, तो ऑन एन एवरेज अगर आपका 27 के अराउंड भी अटेम्प्ट है तो इट इज़ वेल एंड गुड। एंड सिमिलरली फॉर रीजनिंग तो बहुत ईजी आई थी, अगर इसमें 27-25+ लिखा है, बट मैं बोलूँ अगर आप 30 के आसपास करके आए हो, मतलब 29 से ले लो, 30+ की है तो अच्छी बात है। और ऐसा है क्वांट और रीजनिंग में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 83-85 से ज़्यादा क्वेश्चन करके आए हो तो अच्छे बैंड में आपका हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है। एसबीआई में बोलते हैं कम होती है नॉर्मलाइजेशन, बट इस साल हुई थी, एसबीआई पीओ में भी हुई थी, देखते हैं क्या बनता है इस बार। तो इतना अगर आपने किया है तो इट इज़ गुड, एंड पर्टिकुलरली आप एक एक शिफ्ट का देख सकते हैं। सिमिलरली 3rd शिफ्ट का भी है। अब मैं अपना अटेम्प्ट बताऊं तो मेरा 3rd शिफ्ट में था क्वांट में 30, इंग्लिश में 30 एंड रीजनिंग में भी 30, याद रखना भी इजी था, 90 का अटेम्प्ट था।
एंड क्वांट में 30 इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन में शायद मैं अटक गया था या मेरे को टाइम ज्यादा लग गया। पहला ही क्वेश्चन आ गया था रेशियो प्रोपोर्शन का, उसमें मैंने वैल्यूज गलत पढ़ ली थी, तो मेरी रेशियो गलत बन रही थी, 1:3 की रेशियो बनी थी, मैंने 1:4 लिख दिया था जल्दी जल्दी में, तो उस वजह से शायद वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे को आंसर नहीं मैच हो रहे थे। बट उसके अलावा पूरा एग्जाम फ्लो में बना, वहाँ पे टाइम बच गया था तो केसलेट भी डन हो सकती थी, शायद 30 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाता। इंग्लिश में कई लोगों ने जंबल वर्ड जंबल पैरा जंबल छोड़ दिया है, बट वो भी इजी आया था, तो उसको छोड़ के भी शायद 3-4 मिनट बच रहे थे इंग्लिश में, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। देन रीजनिंग पे आए, रीजनिंग वॉज वेरी इजी, कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं जिसमें पॉज लेना पड़ा, बट मैं पर्टिकुलरली रीजनिंग में एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए बहुत स्लो चलता हूँ, तो 30 मेरे ही शिफ्ट में साथ वाले ने शायद 30+ भी किए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग 85 से ज़्यादा करके आए हो आप इसमें थर्ड शिफ्ट में, तो अच्छा अटेम्प्ट है आपका। एंड बाकी का आप देख सकते हो, ऑन एन एवरेज मैं बोलूँ क्वांट में आप 20-25 के बीच में करके आ रहे हो, आप और इम्प्रूव कर सकते हो वेरी इजिली, आप उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। रीजनिंग में भी सेम चीज, 30+ अटेम्प्ट करना वाज नॉट इम्पॉसिबल, रैदर वेरी इजी, आप कर सकते हो प्रैक्टिस करके। और इंग्लिश में 30 out of 30 कम करते हैं क्योंकि पता है एक दो नंबर का ऊपर नीचे हो जाता है, आप वोकैब वाले छोड़ सकते हो, बट मेरी शिफ्ट में वोकैब का था भी नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट अब देख लेते हैं टॉपिक्स में आया क्या क्या था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हर एक में आया था, 8 से 10 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मिसस्पेल्ड और रॉन्ग वर्ड, ये बस पहली शिफ्ट में आया था और लकी होते हैं क्योंकि मिसस्पेल्ड निकालना वॉज वेरी इजी। IES इसमें मतलब छोटे छोटे, जैसे मिसस्पेल्ड में MEWSPELT, इस लेवल की उन्होंने स्पेलिंग्स दी हुई थी रॉन्ग। देन क्लोज टेस्ट, मेरी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट नहीं आया था, बट ये वाली शिफ्ट जितने भी थी बहुत इजी क्लोज टेस्ट आया था, मैंने पर्टिकुलरली क्लोज टेस्ट के बारे में रिव्यू सुने थे, बहुत इजी था। सिंगल फिलर्स भी आए थे सेकेंड शिफ्ट को छोड़ के, वर्ड स्वैपिंग 2 शिफ्ट में आया था, इजी रहता है अगेन, और फ्रेज रिप्लेसमेंट बस 3rd शिफ्ट में आया था। देन 6th में देख लेते हैं क्या क्या आए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 से 10 क्वेश्चन, एंड आई थिंक मेरी शिफ्ट में जो 3rd शिफ्ट था उसे 8 ही क्वेश्चन आए थे। देन कॉलम बेस्ड, मैच द फॉलोइंग वाले, एरर डिटेक्शन, एरर भी बहुत इजी थे, इतने कोई टिपिकल नहीं थे, एक लाइन एक बारी पढ़ के ही विजिबल हो जा रहे थे कि कहाँ एरर है। देन क्लोज टेस्ट अगेन वेरी इजी। पैरा जंबल लोग छोड़ के आए, पर पता नहीं क्यों मेरी शिफ्ट में आया था कि एक कंपनी जो है, एक 6 लाइन का पैरा जंबल था और उसपे चार चार या 4 क्वेश्चन थे, 5 थे 4 क्वेश्चन थे, और उन्होंने डायरेक्टली पूछा हुआ था कि बताया हुआ था उसमें कि एक कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय से नो कंपटीशन की एक साइन करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, और उससे कंपनी को फायदा होता है, क्या फायदा होता है, और एंड में कंक्लूजन दिया था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो एक फ्लो बन रहा था वेरी इजीली, 4 सेंटेंस 6 सेंटेंस बहुत इजीली अरेंज हो रहे थे। देन रीजनिंग, रीजनिंग में सारे टॉपिक्स कवर थे इस बारी, वेरी इजी। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज आई हुई थी हमारे पास, लेटर सीरीज, देन सिलॉगिज्म, देन ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी एंड डायरेक्शन सेंस। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट 6th में भी यही था, पजल्स एंड सिटिंग, सीरीज, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, सिलॉगिज्म, पेयर फॉर्मेशन, नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड मीन्स वो 3-3 पेयर वाले होते हैं नंबर, 312 उस पे बेस्ड क्वेश्चन थे और बहुत इजी थे, कोई ऐसा था ही नहीं आपने छोड़ा, स्पीड पे होता है, क्या पता कहीं होंगे जो 100 out of 100 भी करके आ गए होंगे, इट इज़ नॉट इम रेदर इट इज़ वेरी पॉसिबल कि बहुत लोग 100 out of 100 क्वेश्चन करके आए हैं। देन DI सिंगल क्वेश्चन, इस बारी क्वांट में अगर मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था तो जैसे 2024 का साइकिल देखिए, जो 23 से स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, इसमें RRB को छोड़ दो, IBPS क्लर्क और IBPS PO और SBI PO में क्वांट बहुत हैवी आई थी, उसके कंपैरिजन में इस बारी क्वांट कुछ आया ही नहीं था।
अगर आप सिंप्लीफिकेशन के देखो, 15-15 क्वेश्चंस आए हैं और डीआई बस एक आई है, एक सेट आया है डीआई का, और एक डीआई का सेट भी ऐसा नहीं था, उसमें बहुत इजी इजी से टेबल दिए हुए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी परसेंटेज कंपैरिजन आपस में, देन नंबर सीरीज जिनको रॉन्ग आई थी वो भी बना रहे थे, जिनको मिसिंग आई थी वो भी इजी थी, देन अर्थमेटिक इन 10 टॉपिक, लेवल वन का जो हमारा होता है टॉपिक उतने लेवल के अर्थमेटिक्स थे हमारे। देन सिमिलरली इन्होंने थर्ड सेकेंड डे भी यही रखा, 5 DI के, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 15, अर्थमेटिक के 10। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा कि डीआई के 2 सेट आ जाते हैं, नहीं यहाँ करेक्शन है, मेरे को सिंप्लीफिकेशन पर्टिकुलरली याद है थोड़ी कम आई थी, 10 के राउंड आई थी, और मेरे को एक डीआई और एक केसलेट आई थी, 1+1 कर लो, ठीक है ये करेक्शन है, बाकी का भी ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो इस एक केसलेट को छोड़ के बाकी मेरा फुल अटेम्प्ट है, तब तो मेरे को पता है कि क्या आया था। विद दिस जिनका पेपर हमारा 11th और 12th को है, उनके लिए एक शॉर्ट सा मैसेज है कि अपने रीजनिंग को क्रिस्प रखना एकदम, मतलब प्रैक्टिस करके जाओ, लो लेवल की रीजनिंग लगाओ, काफ़ी इजी है, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। देन क्वांट के लिए फोकस करो अपने स्पीड मैथ पे, क्योंकि अगर आपको अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन आ रहे हो, बियरली मल्टीप्लाई डिवाइड ही आपस में, उसमें ज़्यादा रीजनिंग नहीं लग रही है उस लेवल की, और सिंपल प्लस माइनस करके ही आंसर आ जा रहा है। देन डीआई में भी परसेंटेज रेशो के कंसेप्ट से बाहर नहीं जा रहा है, और इंग्लिश में इंग्लिश बहुत इजी आ रही है, पर एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करना, क्योंकि इजी पेपर में एक्यूरेसी अगर आपकी कम है, जैसा हमने आरबीआई असिस्टेंट में देखा, पेपर इजी था पर कहीं के 10-10 ज़्यादा अटेम्प्ट भी थे उनका नहीं हुआ है, और जिनका 80-89 भी है वो भी सिलेक्ट हो गए मेन्स के लिए। तो अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना, एक्यूरेसी ऐसी रखना कि इंग्लिश में चाहे 25 ही हो पर 25 के 25 सही हो, और क्वांट और रीजनिंग में तो गुंजाइश ही है गलत होने की, और फोकस करेंगे अपना क्वांट पे कि क्वांट में 25 से ज़्यादा हो जाए और रीजनिंग में 30 से ज़्यादा हो जाए, तब आप एक सिक्योर बैंड में हो सकते हैं, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जिनका एग्ज़ाम हमारा 11th और 12th को है, एंड विल वेट फॉर द रिजल्ट्स, आफ्टर दैट मेंस के लिए प्रिपेयर प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है।